पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में कोरोना के नए मामलों में आधे से ज्यादा भारत और ब्राजील में सामने आए हैं। WHO ने इसकी जानकारी दी। अमेरिकी सांसदों की राष्ट्रपति बाइडेन से अपील, कहा भविष्य के लिए बचाकर रखी जाए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले यात्रियों पर 14 मई तक लगा ट्रेवल बैन, प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। कोविड ड्यूटी पर लगाए जाएंगे MBBS फाइनल ईयर के छात्र। कोरोना संक्रमण के चलते मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं सस्पेंड की गई। आज दिल्ली में खत्म हो सकता है ऑक्सीजन का संकट, राजधानी को आज मिलेगी 205 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 120 टन और गुजरात के हापा से 85 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंची। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 400 के पार गई, पीछे 24 घंटों में 448 मरीजों की जान गई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,621 नए मामले सामने आए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कोरोना महामारी में मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए सांसद निधि से 50 लाख रुपए दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ संवाद किया, कहा कोरोना महामारी से निपटने में सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अस्पतालों के लिए 30 वेंटिलेटर मंगवाए। लखनऊ में 7-7 वेंटिलेटर KGMU और PGI को मिले, 5-5 वेंटिलेटर RML और कैंसर अस्पताल को दिए गए। 10 ऑक्सीजन टैंकर्स वाली पहली ट्रेन जमशेदपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर यह ट्रेन पहुंचेगी। वायुसेना का मिशन प्राणवायु जारी है, जर्मनी से एयरलिफ्ट किए 4 ऑक्सीजन कंटेनर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,403 नए मामले सामने आए, एक दिन में राज्य में 128 मरीजों की मौत। भोपाल के होटल अशोका में शुरू हुआ देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। कस्टम क्लियरेंस के लिए पेंडिंग नहीं है कोई भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सरकारी वकील ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा के खिलाफ 5 मई को बीजेपी देशव्यापी धरना देगी। बंगाल में हिंसा का गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया, पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया, 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना तीसरे दिन भी जारी, जिला पंचायत के कई वार्डों में बीजेपी को बढ़ा। उत्तराखंड में बरसी आसमानी आफत, उत्तरकाशी और टेहरी में बादल फटने से तबाही। बागपत में चुनाव जीतने के बाद निर्वाचित ग्राम प्रधान को जेल हुई, समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला था। उन्नाव में विजय जुलूस निकालने वाले एक विजयी प्रत्याशी पर पुलिस ने कार्रवाई की, नवनिर्वाचित प्रधान आफरीन को गिरफ्तार किया। उन्नाव में भी हसनगंज ब्लॉक के भोगला गांव में प्रधान पद प्रत्याशी की मौत हुई। कन्नौज में कोरोना से जान गंवाने वाले 2 प्रत्याशियों ने प्रधानी का चुनाव जीता, अब चुनाव आयोग से मांगी गई है राय। लखनऊ में पेट्रोल पंप के मैनेजर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी, गोली लगने से मैनेजर की मौत हुई। मथुरा में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की हुई कोशिश, गोवर्धन कस्बे में कुछ युवकों पर मस्जिद में घुसकर माइक को तोड़ने का आरोप, घटना का वीडियो वायरल।